गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिसेस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 3.1 जो कि काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी, और ये जो 3.2 है इसके भी फर्स्ट जो 12 सम्स हैं दे आर वेरी सिंपल। तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13 सम में ट्रिग्नोमेट्रिक एक दो फार्मूले यूज़ होने हैं, ठीक है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक की हुई है उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं भी की हुई तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज fx इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉज एक्स जीरो 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 वन। तो हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो मैंने पहले ही लिख दिया एफ एक्स, और एफ वाई में क्या होगा, जहाँ पर एक्स लिखा है उसको आपने वाई से रिप्लेस कर देना है। फिर सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपके पास ए वन वन एलिमेंट क्या आएगा, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये जो फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपका कॉज एक्स प्लस वाई का, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है कॉज एक्स प्लस वाई का। इसी तरह से जो साइन एक्स कॉज वाई है प्लस कॉज एक्स साइन वाई है, ये फार्मूला है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। इसी तरह से जो ये जो सेकेंड अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, से माइनस कॉमन निकाल के, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा फिर से वही वाला माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। और जो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, इसको भी मैंने चेंज करके लिख दिया, कॉस की टर्म्स पहले लिख दी मैंने, ये देखो कॉस की, और साइन की बाद में लिख दी, तो ये फार्मूला बना कॉस एक्स प्लस वाई का। बाकी एलिमेंट्स तो क्लियर ही हैं आपको। तो इसमें देखो जो हमारा गिवन एफ एक्स था उसमें बाकी सारा सेम है, जहाँ पर एक्स लिखा हुआ वहाँ पर हमारा सिर्फ एक्स प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बना आपका ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यही हमें प्रूव करना था। देयर फॉर एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये काफ़ी सिंपल सम था। इसके बाद फिर से ये जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक काफ़ी सिंपल सम्स हैं, तो अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेटमेंट मैंने पहले लिखी हुई है। हमें मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स शो हमने करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, टेंजेंट अल्फा बाई टू को मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब जो कॉज अल्फा का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट में क्या था, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये आप याद कर लेना, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो इसको क्योंकि बार बार टेन लिखना पड़ेगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर लेते हैं, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। इससे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं होगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ये। और साइन अल्फ़ा क्या है, टू टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो ये बनेगा टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। अब इसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी आई प्लस ए, ठीक है। तो ए मेरा क्या था, मैंने टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू को पहले ही ए लिख दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा वन माइनस ए ए एंड वन। तो मेरे को यही लेकर आना है राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, मुझे यही लेकर आना है, ठीक है। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आई माइनस ए, आई की वैल्यू है वन जीरो जीरो वन, माइनस ए मेरा कितना था जीरो माइनस ए ए एंड जीरो, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, और यहाँ पर ब्रैकेट है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, क्लियर। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाला, ये बनेगा वन ए और माइनस ए और वन, ठीक है, वन प्लस जीरो ऐसे ऐड करना है, फिर जीरो प्लस माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस जीरो माइनस ए और वन माइनस जीरो, ठीक है।
तो इस तरह से ये मैट्रिसेस मेरे पास आ गई हैं। अब जो ये कॉस अल्फा की वैल्यू है अब हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। ये देखो क्या थी, ये वैल्यू पुट करनी है, 1 - a² / 1 + a² और साइन अल्फा की -2a / 1 + a², ये देखो साइन अल्फा की वैल्यू। इसी तरह से 2a / 1 + a² एंड 1 - a² × 1 + a², इस तरह से थोड़ा शॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 × करेंगे 1 - a² / 1 + a² प्लस 2a को 2a से करेंगे 2a² आ गया 1 + a², ठीक है। इसी तरह से फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो -a × 1 - a² / 1 + a² आ गया, ठीक है। प्लस 2a 1 को सेकेंड से करेंगे 1 + a² आ गया। अब हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड कॉलम करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो 1 - -2a करेंगे तो -2a / 1 + a² फिर आएगा प्लस a × 1 - a² / 1 + a² और ये आएगा आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2a² / 1 + a² प्लस 1 - a² सॉरी ये -- प्लस का हो जाएगा और ये आ गया 1 + a², ठीक है। हमारा जो आंसर आना चाहिए दिस वन, ये स्टार जो मैंने लिखा है 1 - a और 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि देखो एलसीएम हमारा आ गया 1 + a², ठीक है, और न्यूमरेटर में आएगा 1 - a² + 2a², ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो आपके पास 1 आ रहा है, ये देखो हमारा 1 आ गया ना ऊपर। इसके बाद हमने करना है सेकंड एलिमेंट -a, एलसीएम दोनों का सेम ही रहेगा, प्लस a³ हो गया प्लस 2a हो गया, ठीक है। नीचे आ गया 1 + a², क्लियर। इसी तरह से अब हम सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सॉल्व करेंगे, -2a + a - a³ / 1 + a² आ गया और ये आएगा 2a² + 1 - a², डिनोमिनेटर सभी का देखो सेम ही आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब आगे क्या आएगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 - a² + 2a² क्या बनेगा, a² + 1 और नीचे भी a² + 1 ही था। और इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर आया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a + a³ / 1 + a² सिंपली आप सॉल्व करते जाओ इसको, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। -a - a³ / 1 + a² और ये आएगा a² + 1 / a² + 1, ठीक है। देखो सारा सेम आ रहा ना आपका, स्टार वाला देखो सेम आ रहा है, वैसे ही आ रहा आपका देखो। अब ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा, इसमें से a कॉमन आ गया तो 1 + a² / 1 + a² हो गया, इसमें से -a कॉमन आ गया 1 + a² / 1 + a² हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये आ गया आपका 1a and -a and 1, ठीक है। जो स्टार था वही सेम स्टार वाला ही आ गया आपके पास। तो इसके बाद आप a की वैल्यू पुट कर देना, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। अब इसके बाद है स्टेटमेंट्स वाले सम्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 था। 19 सम में क्या है हमारा सम, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे करेगा, सेकेंड जो से वो 7% पे करता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके हमें बताना है कि हाउ टू इसको डिवाइड कैसे करें, 30,000 को डिवाइड कैसे करें। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, दो पार्ट गिवन है, कितना एनुअल इंटरेस्ट है, एक में 1800 है दूसरे में कितना है 2000 है। तो हम एक ही पार्ट इसका जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, हमने 30,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसमें हम एक पार्ट लेंगे 30x ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो सा हो जाएगा आपका 30,000
माइनस एक्स, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी एक तो बनेगी एक्स और 30,000 माइनस एक्स की, ठीक है, इसमें कॉमा नहीं लगाते मैट्रिसेस में। और जो दूसरा जो बनेगा इंटरेस्ट वाला, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, इस जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 कॉलम, तो हमें नेचुरली 2 कॉलम चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रो इसकी रोज सॉरी 2 रोज चाहिए हमें, कॉलम तो 1 ही बनेगा इसका। तो ये 5 अपॉन 100 हो गया और ये 7 अपॉन 100 हो गया। तो इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, इज इक्वल टू 1800 इंटरेस्ट गिवन है, बस सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसका ऑर्डर 2×1 है, तो ये 2×2 हो गया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1×1 की बनेगी। तो सिंपल है, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800 आ गया। ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आपने, तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू इसमें एक्स आ जाएगा आपका 15,000। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो सेकेंड पार्ट है वो जो है सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन क्या आपका, एक बुक शॉप में आपके पास पर्टिकुलर स्कूल में एक बुक शॉप है, उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, और उनकी सेलिंग प्राइसेज हैं 80, 60 और 40 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ईच हर एक जो बुक की सेलिंग प्राइस है। तो टोटल अमाउंट जो सी है कितनी होगी, आपने बताना कि जो शॉपकीपर रिसीव करेगा बुक्स अपनी सेल करने के बाद, ठीक है। जैसे हम जाते हैं शॉप पे बुक्स खरीदते हैं ना, तो हमारी हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स खरीदते हैं, तो उसके हमारे हमने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए वो हमें फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो अब ये करना है आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि डजन है, डजन को आप सिंपल पहले टोटल बुक्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जैसे इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, चलो एक ए मैट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं। 10 डजन है तो 10×12, 8×12, 10×12, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स हमारी है वो है 80, ठीक है, 60 और 40, ठीक है, रुपीज़ हो गया ना आपके पास। तो अब क्या करना है, इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट का ए का ऑर्डर कितना है, 2×3, 1×3 है, तो इसका 3×1 होना चाहिए बी का, तभी हम ए और बी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बस अब क्या करना आपने, हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू, ये आएगा 120, 96, 120, इधर से आ गए 80, 60 एंड 40। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको करना है 120×80 प्लस 90, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, 120×40, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी बनी, 1×1 ऑर्डर की बनी, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 20160। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस भी चेक कर सकते हैं आप इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सम अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको मैट्रिसेस गिवन है। देखो यहाँ पर आप पहले लिख लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये मैट्रिसेस गिवन है और इनके ऑर्डर्स गिवन है। इसका ऑर्डर आपको गिवन है एक्स का 2×n, वाई का ऑर्डर गिवन है आपको, वाई का ऑर्डर है 3×k, जेड का ऑर्डर है 2×p, डब्ल्यू का ऑर्डर है n×3 और p का ऑर्डर है p×k। सबसे पहले आपने ये लिख लेना, कुछ भी नहीं करना। तो जो 21 सम हमारा, उसमें क्या है कि जो कि n, k और p की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो डिफाइंड हो जाए। तो चॉइसेस गिवन है आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट चॉइस में k की वैल्यू 3 है, p n है, बी चॉइस में k आर्बिट्रेरी p 2 है, सी में पी आर्बिट्रेरी के 3 है और डी में के 2 एंड पी 3 है। तो इस तरह से आपको बताना है कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम पी वाई का ऑर्डर चेक करते हैं। पी का ऑर्डर कितना आपके पास, पी का ऑर्डर है p×k और जो वाई का ऑर्डर है वो कितना है, 3×k। तो इट मीन्स जो के आपका है वो तो पहले क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो के जो सा 3 होना चाहिए आपके पास,
सॉरी ये जो की ये वाला के है ये 3 होना चाहिए, ग्रीन वाला ऐसे ग्रीन वाला, क्योंकि ये वाला ठीक है। तो के शुड बी इक्वल टू पी वाई, तभी डिफाइंड होगा ना आपके पास जब ये के कितना होगा 3 होगा। तो जब के 3 होगा आपके पास तो जो पी वाई का ऑर्डर कितना बनेगा, फिर पी क्रॉस 3 बन जाएगा, ठीक है आगे समझ। अब जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना आपके पास, एन क्रॉस 3, ठीक है W का ऑर्डर n क्रॉस 3 है। तो डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, डब्ल्यू वाई डिफाइंड है हमारे पास। और जो y का ऑर्डर कितना आपके पास, y इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस k। तो इट मीन्स जो डब्ल्यू वाई आपका बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस k होगा, ठीक है n क्रॉस k होगा। बट k आपने कितना फाइंड आउट किया, 3, तो n क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पी वाई का ऑर्डर आपके पास कितना है, पी क्रॉस 3 है, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस 3 है, ठीक है। तो इट मीन्स जब सम डिफाइंड होगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा आपके पास, तो ये कब पॉसिबल है आपके पास, क्योंकि जब एडिशन में आपको मैंने बताया था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है, जब एन जो है वो पी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से करना आपने, तो इसलिए जो ए चॉइस है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप इजीली करोगे तो कोई इसमें इजीली आपका हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहे हैं एन इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो 7x-5z का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसमें आप देखो x का ऑर्डर कितना है आपके पास, x का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस n, ठीक है। z का ऑर्डर कितना आपका, 2 क्रॉस n, ठीक है। x का ऑर्डर कितना था आपका, 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस p है, बट n इज इक्वल टू p की बना, तो 2 क्रॉस n ही हो गया आपका। तो ये वैसे ही आपके पास आंसर आ गया। तो इसका इट मीन्स जो 7x-5z का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस n, क्योंकि काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से आप बेसिक जो इसकी कंसेप्ट यूज़ करके ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो इस क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो अपना डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप उसको ट्राई करके आना, ये एक्सरसाइज भी काफ़ी सिंपल है, और साथ ही में इसके हम 3.4 भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।